आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। शुरुआत से सीजन के अंत तक एक कृषि उत्पादों की कीमतों को बनाए रखना आसान नहीं है, लेकिन इस साल कपास की कीमत दिन पे दिन बढ़ती गई। फिलहाल गिने चुने किसानों के पास बिक्री के लिए कपास का भंडार है। सीजन खत्म होने के बावजूद कपास की बढ़ती कीमतों से किसानों को बड़ी राहत मिल रही है। साथ ही साथ जिले के खरीद केंद्र 21 मई तक बंद नहीं रहेंगे ताकि किसानों को असुविधा ना हो। इससे किसानों को फायदा होगा और विस्तार से असंभव दरों से बढ़ोतरी भी होगी। कृषि विभाग के अनुमान जताया है कि आने वाले खरीफ में कपास का रकबा बढ़ेगा। इसके लिए विभाग अभी से सतर्क रुख अपना रहा है। गुलाबी सुंडी कीटों का प्रकोप ना बढ़े, इसलिए कृषि विभाग कपास का बीज जून से बेचना शुरू करेगा, क्योंकि किसान मौसम से पहले ही कपास की खेती करने लगते हैं, जिसके बाद में कीटों का प्रकोप बढ़ने लगता है। इसलिए किसानों को जून से बीज उपलब्ध हो जाएगा। इस सीजन में कपास की कीमतों में एक बार फिर गिरावट नहीं आई है। वर्धा की सिंधी मंडी में औसत रेट 13,200 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं अकोला कृषि उपज मंडी समिति में 12,880 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भाव मिला। कपास उत्पादों को इस साल अब तक का सबसे अधिक रिकॉर्ड मिला है और आगे इसके दाम बढ़ने की संभावना है। अब रिकॉर्ड रेट से किसानों की आमदनी में इजाफा हो रहा है। इसके अलावा खरीद केंद्र को अगले 10 दिनों के लिए खुला रखा जाएगा ताकि किसानों को असुविधा ना हो। वहीं कृषि उत्पादों की कीमत नीलामी से तय होती है। अकोट में किसान भंडारण किया हुआ कपास बेचने के लिए ला रहे हैं, जिसका उन्हें अधिक भाव मिल रहा है। अकोट में जिनिंग प्रोसेसिंग का कारोबार अब बढ़ गया है। कपास उत्पादन में गिरावट के कारण मांग में वृद्धि हुई है, इसलिए स्थानीय व्यापारी बाजार में प्रवेश करते हैं और जिनिंग के लिए अधिक कीमत पर कपास खरीदते हैं। इसलिए सीजन के आखिरी चरण में भी कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। इस साल कपास का रिकॉर्ड रेट देखते हुए कृषि विभाग का कहना है कि आने वाले खरीफ के मौसम में कपास का रकबा बढ़ेगा, क्योंकि एक बार फिर किसान कपास की खेती की ओर ध्यान देंगे। वहीं अकोट बाजार समिति में कपास की खरीद के लिए अवधि बढ़ाए जाने से किसान को राहत मिली है। इस साल की शुरुआत में अच्छे दाम मिलने शुरू हो गए हैं, जिसके साथ किसानों को फायदा हुआ है। अच्छे रेट के चलते इस साल अब तक अकोट बाजार समिति में 4,53,000 क्विंटल टर्नओवर हुआ है। न्यूनतम दर से ये 250 रुपये और अधिकतम ये 13,100 रुपये है। पिछले दो दिनों में रेट 12,500 रुपये और कुछ मंडियों में कपास का भाव 14,000 तक पहुंच गया है। वर्तमान में कुछ किसानों ने कपास का स्टॉक कर लिया है, जिससे अच्छी कीमत भी उन्हें मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।